नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, आज इसने दोस्तों 52 वीक लो के आसपास फिर ट्रेड किया है। क्या है रीजन जानेंगे। जो 35% कमी आई है सेल में, उसका जो मैंने थंबनेल डाला है उसका सही मायने क्या है, इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये शेयर क्या खरीदना चाहिए, किनको खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं 12 तारीख को, 12 नवंबर को, तो हर एक चीज में इत्मीनान से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दे दूं दोस्तों कि मैं पर्सनली इसमें अपना स्टेक बढ़ा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, और गिरावट में एक्यूमुलेट कर रहा हूं। तो ये बात मैं आपको पहले बता दूं ताकि अगर आपको लगे, अगर मैं राय जो अपनी दूं आपको अगर बायस लगे तो आप इस वीडियो को नहीं देखें, वही छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैं अपनी राय दूंगा बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए दूंगा, जो भी मैं पढ़ाऊं, जो मुझे पर्सनली लगता है वो आपके सामने रखूंगा। बाकी आपको खुद कुछ भी दोस्तों पोजीशन में आने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लेनी दोस्तों, सिर्फ मेरे कह देने से, क्योंकि मैं इसे खरीद रहा हूं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं दोस्तों। हर एक निवेशक अलग होता है और किन निवेशकों में इसमें निवेश करना चाहिए ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो हर एक चीज दोस्तों क्रिस्टल क्लियर तरीके से चर्चा होगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों मैं आजकल लगातार बहुत सारी वीडियोस डाल रहा हूं क्योंकि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में है, तो लगातार बहुत सारे वीडियोस की, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की हमें वीडियो की डिमांड आती है, तो हमें बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों यूट्यूब जो है सभी को नहीं देता दोस्तों नोटिफिकेशन, आपके नोटिफिकेशन बार पे, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वहां लिंक शेयर कर देता हूँ। अब चलते दोस्तों सीधा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों देखिए, लगभग 3:35 हुआ है और ये 1.25% की आज गिरावट के साथ बंद हुआ दोस्तों। क्यों? सेल्स के नंबर आए हैं दोस्तों, ठीक है, और मार्केट ने इसके सेल्स के नंबर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं पाया है और वो अच्छा है भी नहीं, मैं भी आपको बता दूं, ठीक है। तो भाई क्यों, फिर मैं क्यों खरीद रहा हूं, आगे आपके साथ चर्चा करूंगा इस मैटर में। और क्या आपको खरीदना है दोस्तों, देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप समझाता हूं किन लोगों को ये एक्यूमुलेशन करना है या किन लोगों को ये खरीदने करनी चाहिए। दोस्तों सिर्फ एक बात याद रखिएगा, ये अभी थोड़ा बेयरिश ट्रेंड में है दोस्तों, ठीक है, और ये उन्हीं लोगों को खरीदना है। मैं इसलिए खरीदूं क्योंकि मुझे दोस्तों ये आने वाले कम से कम 2 से 3 साल के ऊपर मैं ये ले रहा हूं दोस्तों। मैं इसे एक्यूमुलेशन कर रहा हूं क्योंकि मैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं ले रहा हूं दोस्तों, ये आप बात याद रखिएगा। और ये अगर मुझे 100, 200, 300 रुपए 2200 के आसपास ही मिलेगा दोस्तों, 2000 से लेकर के 2200 के आसपास, तो भी मैं इसे खरीदूंगा दोस्तों। दो रीजन है दोस्तों। पहला देखिए, वर्ल्ड इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सेलिंग टू व्हीलर कंपनी दोस्तों, और रूरल इंडिया में इसका दोस्तों बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, और मेरा जो रैशनल मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। और दोस्तों आपको पता, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ईवी में क्या करेगा ये, दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो आप देख रहे होंगे छोटी मोटी जो कंपनियां, छोटी मोटी तो नहीं बोलनी चाहिए, खैर जो स्टार्टअप मान के चलिए आप, माफ कीजिएगा वो गलत वर्ड लगता है मुझे, छोटी मोटी कंपनियां, हम कौन होते हैं किसी कंपनी को छोटा बोलने वाले, माफ कीजिएगा उसके लिए। जो स्टार्टअप्स हैं दोस्तों, वो कंपनियां जो हैं वो दोस्तों अपने रूरल इंडिया तक, यानी कि जो रूरल इंडिया है या मान के जो टायर 2 टायर 3 कंपनीज हैं, वहां अपने आपको इतना उनके पास पैसा तो होगा नहीं तो इतना निवेश करना चाहिए कि हम वहां शोरूम डालेंगे। तो दोस्तों वहां से होगा कैसे, जो बड़ी कंपनियां, बड़ी टू व्हीलर कंपनियां हैं उनके साथ होगा क्या दोस्तों, टाई अप, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि किसने टाइप किया दोस्तों इससे, यहां से जब कंपनी छोड़ के गई दोस्तों तो इन्होंने किसका टाइप किया था, हीरो मोटोकॉर्प ने, एक बड़ी कंपनी जब यहां से अपना सारा का सारा माल बेच करके निकली थी दोस्तों, ठीक है, तो उन्होंने किसका टाइप किया, हीरो मोटोकॉर्प से। आगे भी यही मुझे लगता है होगा दोस्तों, ठीक है, और हीरो मोटोकॉर्प मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, प्लस 3.31% का दोस्तों आपको ये डिविडेंड भी देती है, ठीक है, प्लस अपने एक्सपोर्ट्स को लेकर के दोस्तों ये अभी बहुत एग्रेसिव हो रहा है, ठीक है, अपने एक्सपोर्ट्स को लेकर भी ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है। आपको याद होगा, भी सुना होगा आपने, दुबई में इन्होंने अपना एक एक्सक्लूसिव शोरूम भी खोला है, और यही कारण है कि ये अब लगातार दोस्तों जो बड़े बड़े हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट है इस शेयर में आने के चांसेस है मुझे लगता है, और जो इन्वेस्ट और जो ये आने, जो इन्होंने बाहर भी इन्वेस्ट किया है वहां भी आने वाले समय में दोस्तों
उसका असर आपके शेयर प्राइस में लगेगा, लेकिन मैं फिर बता दूं टाइम लगेगा दोस्तों उसके लिए, ठीक है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है मैं आपको बता दूं, आपकी पॉइंट्स के ऊपर मैं बता दूं चर्चा आपने कर दी मैंने। अब थोड़ा बात करते हैं सेल्स के नंबर की जो डिसअपॉइंटिंग आए हैं। देखिए ये रहे सेल्स के नंबर। द कंट्रीज लार्जेस्ट टू व्हीलर मेकर हीरो मोटो कॉर्प रिपोर्टेड अ 32% डिप इन टोटल सेल्स टू 5,47,970 यूनिट्स फॉर अक्टूबर, ठीक है दोस्तों। द कंपनी हैड सोल्ड 8,06,848 यूनिट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है दोस्तों। यानी ईयर ऑन ईयर में बहुत बड़ा डिक्लाइन है गाइस ये। इन द डोमेस्टिक मार्केट द कंपनीज होलसेल्स ड्रॉप टू 5,27,729 यूनिट्स लास्ट मंथ फ्रॉम 7,91,137 यूनिट्स इन अक्टूबर 2020, माफ कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे डेंट पड़ा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स हाउ एवर इंक्रीज 20,191 यूनिट्स लास्ट मंथ एज अगेंस्ट 15,770 यूनिट्स इन द ईयर अगो मंथ। दोस्तों यहां समझिए जो मैं एक्सपोर्ट पे एम्फसाइज कर रहा हूं ना, ये इस शेयर के प्राइस में आपको दिखाई देगा, भले एक दो क्वार्टर लगे प्रेशर में लगे शेयर, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट ग्रेड के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं दोस्तों। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि ये शेयर अब बस भाग जाएगा, नहीं दोस्तों, भाग सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि अपने सपोर्ट के बहुत अच्छे सपोर्ट के ये पास में है। लेकिन दोस्तों कमी है, वीकनेस है, ऑपरेटर ऐसे वीक स्टॉक को अगर पकड़ता है बहुत बुरी तरह पीटता है, इसीलिए मैं आपको ये चीज समझा दे रहा हूँ, ठीक है। बट फॉर अ लॉन्गर होराइजन हीरो के ऊपर मैं दोस्तों बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। देखिए डिमांड इन द फेस्टिव सीजन हैज बीन बिल्डिंग अप एज वी मूव टुवर्ड धनतेरस दिवाली एंड वी एक्सपेक्ट हेल्दी रिटेल ओवर द कमिंग वीक्स। द कंपनी कंपनी का ये मानना है दोस्तों कि दिवाली और धनतेरस आया है इस महीने दोस्तों नवंबर में, लोग इस वक्त खरीदारी बहुत करते हैं न कि पहले, इसीलिए। लेकिन ये दोस्तों कंपनी कह रही है, जो इनकी मैनेजमेंट है वो कह रही है, बट हमें ये समझ में आ रहा है कि सेल्स में कमजोरी है, डिमांड में कमजोरी है। आप सच से नहीं भाग सकते, आप और मैं दोस्तों, मैं भले ही इसका शेयर होल्डर हूं लेकिन जो हकीकत है वो आपके साथ मुझे शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। विद द इकॉनमी ग्रेजुअली ओपनिंग अप विद सेवरल अदर पॉजिटिव इंडिकेटर सच एज इंकरेजिंग फार्म एक्टिविटी एंड सर्ज इन प्रीफरेंस फॉर पर्सनल मोबिलिटी अ स्विफ्ट रिवाइवल इन सेल्स एक्सपेक्टेड इन द कमिंग मंथ। ये एक चीज जो मुझे सही लगी दोस्तों कि लोग अब खुद पर्सनल व्हीकल चाहते हैं, ठीक है, और टू व्हीलर डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से सर्ज होगा। इसीलिए जो ये कंपनी है दोस्तों, इस कंपनी के फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे भी अच्छे लगते हैं। और जो सबसे बड़ा रैशनल मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट का इस कंपनी में दोस्तों, वो ये है कि ये जो कंपनी है दोस्तों, ठीक है, ये रूरल इंडिया तक में बहुत जबरदस्त अपने प्रेजेंस रखती है, इसीलिए आपको आने वाले समय में एक अच्छा खासा उछाल दिखाई देगा दोस्तों। और एक्सपोर्ट्स को लेकर के जितने एग्रेसिव है दोस्तों, वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है, ठीक है। और आप इसकी डिलीवरी देखेंगे 56 पॉइंट, मैं दिखाता हूं आपको 56% ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई है दोस्तों, 3 बजे तक का ये डेटा है, ठीक है। मैं बता रहा हूं इसीलिए एक्यूमुलेशन चल रही है। आप वॉल्यूम्स पर नजर डालेंगे 4 लाख है, और मैं आपको थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा दिखा दूं इसका। आप हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे तो आपको एक चीज दिखाता हूं मैं 1 मंथ का चार्ट में, आप देखिए लगातार जो वॉल्यूम्स वो घट रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 3 से 3, 6 अचानक से चेंज हुआ, फिर एक गिरावट तेज होगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, लॉन्गर हॉरिजन, आई लव दिस कंपनी। शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं बिल्कुल एंट्री मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि भागने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, गिरने के ज्यादा है, इसीलिए दोस्तों। और मैं ये भी बता दूं कि आज भी मैंने इस शेयर को उठाया है दोस्तों। ये सब मैं आपसे पर्सनल चीजें शेयर कर रहा हूँ, आपको कोई भी पोजिशन आने से पहले या तो खुद थोड़ा रिसर्च करें दोस्तों, या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी है दोस्तों। सिर्फ मेरे कह देने से या किसी और कह देने से खरीदारी नहीं करनी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये यहां तक अगर मेरे साथ जुड़े हैं, लाइक करके अप्रिशिएट कीजिएगा, काम अच्छा लगता है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है, याद रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।